कैसा लग रहा है रक्त दान करते हुए? हमें जैसे कि हमारे मिशन में जो है ब्लड डोनेशन का एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे मिशन की तरफ से भी, और जो जितने भी सेवादार यहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनका यही मानना है कि खून नालियों में ना बहे, नाड़ियों में बहे, जो कि हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने ये शुरू किया था मेगा, और आज हमारे मिशन में ये चलता आ रहा है सदियों से जो ब्लड डोनेशन। मैं बीपी सिंह हूँ, संत निरंकारी मिशन का सेवादार हूँ। आज संत निरंकारी सत्संग भवन राजौरी में एक विशाल रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें उम्मीद कर रहे हैं कि तकरीबन 100 के करीब निरंकारी वॉलंटियर्स खूनदान करेंगे और समाज की सेवा में अपने आप को समर्पित करेंगे। संत निरंकारी मिशन सारे विश्व में खूनदान करने के लिए सर्वोपरि है, जैसा सब जानते हैं। 1986 से लेकर अब तक संत निरंकारी मिशन के वॉलंटियर्स ने तकरीबन 7,000 रक्तदान शिविर लगाए हैं। तकरीबन 12,00,000 यूनिट आज तक निरंकारी मिशन ने दान किए हैं, निरंकारी भक्तों ने दान किए हैं। ये जितने भी भक्त जन खूनदान करते हैं ये संत निरंकारी मिशन के सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी की मेहरबानी से, उनके आशीर्वाद से आगे आते हैं। जब सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह महाराज जी का 1980 में इस तरह से बलिदान हुआ था तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा था कि ये हम जो बदला लेना है खून देकर बदला लेंगे, किसी का जान लेनी नहीं है बल्कि खून दान करके किसी की जान बचाकर ये हम बदला लेंगे। और बाबा जी का कहना था कि इंसान का खून नालियों में नहीं बल्कि इंसान की नाड़ियों में बहना चाहिए ताकि सारी ओर मानवता कायम हो सके। संत निरंकारी मिशन का मुख्य मंतव्य निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ जोड़कर इंसान के जीवन का कल्याण करना है, इंसानी रूह का कल्याण करना है। और जहां ये आध्यात्मिक मिशन के कार्यक्रमों के साथ साथ संत निरंकारी मिशन समाज सेवा में भी बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। पीछे यहाँ राजौरी में भी एक ट्री क्लस्टर लगाया गया है जिसमें 100 से ज़्यादा वृक्ष लगाए गए हैं और उनको 3 साल तक पालन पोषण भी किया जा रहा है। इसी तरह और भी अनेकों स्थानों पर ये लाखों ट्रीज निरंकारी मिशन ने लगाए हैं। और आज मैं मीडिया के माध्यम से सभी को अपील करता हूं कि खून दान करने के लिए आगे आना चाहिए। खून दान करने से कोई कमज़ोर नहीं होता बल्कि मानव की जान बचाकर आप एक भला कार्य करते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि सभी नौजवान संत आगे आएँ और इस इंसान के भलाई के काम में आगे आकर मानव की सेवा में तत्पर रहें। धन्यवाद।